प्रभुपाद जी कहते थे, जब शिकार करो तो गैंडे का ही करो, क्योंकि गैंडे को मारना इतना आसान नहीं है। अगर गैंडा मर गया तो लोग क्या बोलेंगे, अरे वाह कितना कमाल कर दिया, गैंडा मार गिराया। और अगर नहीं मरा तो भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि फिर कहा जा सकता है आसान थोड़ी था, जो हमने टारगेट लक्ष्य रखा था वो इतना ऊंचा था कि जो साधारण नहीं, तो उसमें भी कोई अपयश नहीं है इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में। इसीलिए हमें जो भगवान की भक्ति में लक्ष्य रखना चाहिए वो शुद्ध भक्ति का रखना चाहिए, वो भगवान की विशुद्ध सेवा का रखना चाहिए। और अगर उस लक्ष्य को रखेंगे और प्राप्त नहीं भी होंगे तो गिरेंगे तो भक्ति में ही ना, चाहे वो मिश्रित हो कर्म की या ज्ञान की, तो गिरेंगे भक्ति के स्तर पे। अब लक्ष्य ही मिश्रित भक्ति है, तो अगर इस पथ से गिरेंगे तो फिर भौतिक इच्छाओं के साम्राज्य में जाकर गिर जाएंगे।